Başka bir güneş doğdu sanki bu sabah. Işıklar içinde beyazlara büründü dünya. Elimden Pilo dedi Pilo. O ellerin cenneti gösteren pusulam saat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। मैं वापस अपने घर आ गई हूँ डिलीवरी के बाद। ये फ़र्स्ट व्लॉग मैंने बनाया है और एक छोटी सी बैड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। बहरहाल मैंने यहाँ छिल्ला छट्टी हकीका सारी चीज़ें फराख्त कर हम लोग घर आ गए हैं खैर खैरियत के साथ, मेरी फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मी के घर थी, बहुत रिलैक्स थी, बहुत सहूलतों के साथ थी, बिना हाथ पैर मैले किए खाने से भरी प्लेट आ जा रही थी, नेहा संभले जा रही थी और भी बहुत कुछ फैसिलिटीज़ थी। अगर मैं गिनने बैठूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बहरहाल मैं यहाँ अपने घर आ गई हूँ। आकर देखा तो इतने दिनों से मैं एब्सेंट थी तो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई थी और सारी चीज़ें अपना टाइम मांगती है। तो इन्होंने और बच्चों ने बहुत अच्छा संभाला था घर, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी, टूटी फूटी थी और बहुत चीज़ें बेतुकी रखी हुई थी। तो बहरहाल थोड़ा थोड़ा कर मैं यहाँ अपना सारा घर समेट रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता एक एक पार्ट कर क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है। दो बच्चे एक साथ है जो कि ना समझ है। यहाँ नेहा स्कूल नहीं गई है, ये मैंने व्लॉग बच्चे स्कूल जाने के बाद का बनाया है। तो घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, फैला हुआ था, तो जितना हो सके मुझसे मैंने टाइड अप किया और फिर भी बिखर ही जाता है नेहा की वजह से। बहरहाल बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं और घर है, घर तो बिखरते ही जाता है। यहाँ जैतून का तेल जो कि डेली बेसिस पे काम आ रहा है मालिशों के लिए, नेहा को भी कर ही देती हूँ मैं मालिश छोटे के साथ। और बॉडी लोशंस है जो कि सर्दियाँ बढ़ गई है तो वो भी ज़रूरी है। और नेहा के खिलौने हर फैले हुए हैं, तो कुछ मेडिसिंस मैंने एक जगह रख ली है मेरी और छोटे की, नेहा की, राह से गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ शाहरुख की वीडियोस चल रही है जो कि मदिहा को भी बहुत पसंद है। मदिहा के साथ, मदिहा के बहाने हम लोग भी देख ही लेते हैं, खुश मूड हो जाता है, थोड़ी देर हंस लेते हैं कल, दैट्स इट। और यहाँ मैंने न्यू फ़ोन परचेज़ किया था क्योंकि बच्चे के फंक्शंस बहुत अच्छे से हुए थे। छिल्ला छट्टी हम लोगों ने लड्डू भी लगाए थे और सारे फ्रेंड्स फैमिली ख़ास लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। हकीका हुआ था जहाँ मेरे पूरे ससुराल वाले आए थे, सबकी गैदरिंग थी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ, जहाँ बिरयानी बनी थी और हम लोगों ने मीठे में गाजर का हलवा बनाया था। बहुत खुश थे सारे, सबकी इतनी प्यारी अच्छी ब्लेसिंग्स मिल गई थी, बहुत अच्छे मोमेंट्स कैप्चर हुए थे। बट माई बैड लक कि मेरा फ़ोन गुम हो गया, अपनों में ही गुम हो गया और बस इस पे ज़्यादा बात नहीं करते। और बस मुझे ये तकलीफ़ है कि फ़ोन तो मैंने कुछ ही दिनों में ख़रीद लिया, उससे ऊंचा फ़ोन ही ख़रीद लिया था, ये मुझे 35,000 का पड़ा था। बट मेरे बच्चे के जो भी इतने प्यारे मोमेंट्स थे वो सारे चले गए, तो मुझे बहुत अफसोस है इसका, इस बात का। और मुझे गूगल से भी वीडियोस फ़ोटोज़ मिले नहीं, तो वो बहुत प्रीशियस मोमेंट्स थे और सारे मोमेंट्स मेरे फ़ोन में ही कैप्चर हुए हुए थे, तो बहुत बुरा लग रहा है बस उस बात का। फ़ोन तो फिर आ ही गया है और ये छोटी सी बैड न्यूज़ थी। आप लोग मुझे देखते हैं तो समझ सकते हैं या इससे रिलेट कर सकते हैं तो आप समझ ही जाएंगे, आई होप सो। बहरहाल मैंने यहाँ छोटे को सुला दिया था और अंडे उबलने के लिए चढ़ा दिए हैं। ये मेरा नाश्ता है, बॉयल्ड एग, आलमंड्स और डेट्स। बादाम मैं रात में भिगाना भूल गई थी इसलिए ऐसे ही ले लिया है, अदरवाइज़ भिगा के लो तो और भी इसके बेनिफिट्स मिल ही जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सारा घर समेट रही हूँ, छोटा सा ही व्लॉग बनाया है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, टेक केयर एवरी वन, अल्लाह हाफिज़।